थैंक्स फॉर क्लिकिंग एंड वेलकम टू एनबी फिटनेस। आमे कोर एक्सरसाइज करूँ लास्ट एपिसोड आज आम कंटिन्यू करवा कोर एक्सरसाइज। आज मुझे गोटे बहुत बढ़िया स्टोरी सुनइबी हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग मार्शल आर्ट। केमती मार्शल आर्ट इंटरेस्टेड हेली केमती शिखिली छोट बेल मत किए किए इनफ्लुएंस करते किए इन्स्पायर करते मार्शल आर्ट शिखापी। आज गोटे छोटिया स्टोरी मुझे क्या कहनी बट आई थॉट ऑफ टेलिंग यू सो दैट आपन को टिके इंस्पिरेशन मिलियो। तो मो फर्स्ट गुरु मो बापा दिवाकर नंद मो से मोर फर्स्ट इंस्पिरेशन। मुझे बहुत छोटो थी क्लास एक्जाक्टली मन ना मोर फिफ्थ कि सिक्स क्लास थी मत मो घर गोटे बही मिलता गोटे पुराणा बही जोटा हिंदी थी से कराटे सब मुवस सबू मान ए टू जी कराटे ट्रेनिंग गोटे बुक मिले मत हिंदी थी से मुठरे से इंटरेस्टेड हुएनी जिते आउटवर्ड आक्टिट सब पाठ तो चली था पारे भी मुझे सब बुक्स पढ़ा बहुत इंटरेस्टेड हुए छोट बेलु मान खाली बही बामर जो कोर्स को छाड़ी आकाडेमिक्स को छाड़ी अलग बुक्स सब मुझे खोजे देखे पढ़े तो से बहीटी मुझे तो मो नना बा आपण माने बापा कहते तो से जोबले दिल्ली में पढ़ापढ़ी करुले आग्रा रे स्पेसिफिकली आग्रा रे से जो ट्रेनिंग नौले हिंदी एम ए करते से टाइम से आई थिंक किसी इनफर्मेसन कलेक्ट करेंगे कि शिखिथे मुझे भी कथा है विषय सहित बट संभव मुझे जानवाक पाइली से मार्शल आर्ट जानी और बहीटी मतलब मिलता कबोर्ड्रु तो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रम दैट बुक। तो से बही मोर फर्स्ट गुरु जे मत इंट्रोड्यूस करेला मार्शल आर्ट फील्ड को बा कराटे प्रति मोर इंटरेस्ट है मुझे कराटे जुडो धीरे 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 बहुत सारा बुक्स मुझे कलेक्ट कली मो लेवल रे आउ बहुत सारा लाइब्रेरी जो जाए मुझे बुक्स पढ़े देन से केवल डी डी वन एत सारा चैनल नाला आजिकल तो बहुत ग्रो कर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड आजिकल नेटफ्लिक्स अच्छी बहुत सारा हॉटस्टार अच्छी आपने सब्सक्राइब करके फोन में भी देख पाते जो फोन टीवी एत प्रचलन नाला केवल डी डी वन डी डी सिक्स ये कि बहुत लिमिटेड चैनल्स आसे तो से आई थिंक ट्यूजडे गोटे मुवि दिए कि साटर्डे संडे एम सिनेमा देखाए तो नना सब बहुत इंटरेस्ट नहीं कि डाकनी आमको जो सिनेमा देख तो आम मिसिक देखु आउ जदि आप कहे मुविज्रु कौ पर्टिकुलर मुविज्रु शिखी कौ कौ फिल्म स्टार मूवी स्टार मोर इंस्पिरेशन रही आई वुड लाइक टू से मुझे ब्रुसलिंग फोटो बहुत आगे देखती थी जो छोट थी बट मुझे जान नी लोकटा किए के पतला अजीब सा हेयर स्टाइल तो ये लोकटी किए मुझे जान नी एट ए लैटर स्टेज मुझे जान ली कारण किसी मार्शल आर्ट बुक हो कि आप देखिए सम हाउ ब्रुसली ब्रांडिंग थाए सब गोटे फोटो थाए बहुत लैटर स्टेज में जान ली ये जन बहुत महान मार्शल आर्टिस्ट आउ तो देन आई स्टार्टेड वाचिंग हिज मूवीज देन आउ मत जी बहुत स्ट्रंगली इन्स्पायर कर जन जन क्लाउड वैंडम ब्लड स्पॉट बोली गोटे मूवी आसा आप जानते जो देखी ना तर देखो पार्ट वन ब्लड स्पॉट इट्स अ वेरी नाइस मूवी बहुत इन्स्पायरिंग स्टोरी एंड देन सिल्वेस्टर स्टालोन आर्नोल्ड तो से मूवी सब देखे मुझे सीडी एवं भी मो पाखे अच्छी कलेक्शन तो से सब मार्शल आर्ट को रिलेटेड जिते मूवी मुझे गोटे भी मिस करे सब मूवी मुझे देखी हाँ यहाँ अलग कथा से आम जेहतु इंग्लीश मीडियम मोर अपब्रिंगिंग नुह मुझे मीडियम को आसी तो टी टफ हुए लांगुएज बुझाक बट व्वेन इट्स मार्शल आर्ट आई डोंट माइंड द लांगुएज तो ये तो लकीली आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड आई वॉच ऑल द मूवीज तो ये मत फिल्म रे मत इंस्पायर कर इंडिया रे अक्षय कुमार कर देखे मूवी जदिओ आप कंपेयर करें ब्रुसली आर्नोल्ड कि जॉन क्लाउड वैंडम कि जेटली जैकी चैन या सहित इंडियन मार्शल आर्टिस्ट मान बट स्टिल दे टाइम भल कम कर मिथुन चक्रवर्ती से टाइम सब आक्शन मूवी आसे जोटा ओडिशा और बिहार में बहुत चले तो दिज आर पीपल हु इन्स्पायर मी इन माय लाइफ तो मुझे इन्फ्लुएंस हुए मार्शल आर्ट्स मूव को देखिकी ताको निजे प्रैक्टिस करे कारण बुक्स को टिके आइडिया मिलता है तो देखिकी मुझे निजे ट्राए करे से सब जिनस एंड देन एट ए लैटर स्टेज मे बी मो सिक्स क्लास हॉलीडे कि सेवेन्थ क्लास हॉलीडे
ମୋର ଜଣେ ନାନୀ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ନାନୀ ବୋଲି, ସେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଇପି ଟାଟା ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଠି, ସେ ସେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇନା ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର କାମ କରିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍, ତ ସେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠିକି ମୋ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ସମର ହଲିଡେ କହୁଛେ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେଠି ମୋର ଗୋଟେ ଭଣଜା ତା ନାଁ ବାବା, ସେ ସେଠି କରାଟେ ଶିଖେ, ତ ସେଠି ଆଇ ଥିଙ୍କ ସିତୋରିଓ କରାଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି, ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କଲି କେମିତି କରାଟେ ହୁଏ, ତା'ର କିଛି ଫଟୋ ଦେଖିଲି ତା ଆଲବମ୍ରେ। ହି ଇଜ୍ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ତ ସେ ଏବେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ତା ଲାଇଫ୍ରେ, ବଟ୍ ସେ ବି ସମ୍ଭବ ମୋତେ ତା'ର ଲର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ହଉ କି ତା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରୁ ହଉ ମୋତେ ଇନସ୍ପାୟାର୍ କରିଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି। ତ ବାବାର ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ମୁଭ୍ସ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମୁଭ୍ସ ଦେଖେ। ସେ ବୋସ୍ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି କଟକରେ, ସେଇଠି ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଇପି ଟାଟା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରେ, ତ ସେ ବି ମୋତେ ଇନସ୍ପାୟାର କରିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଟାଉନ୍ରୁ ବାହାରିଲି, ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ମାନେ ଗୋଟେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନସ୍ପାୟାର୍ଡ ହେଲି ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ସୁନୀଲ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି, ସେ ପୁରୀରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋରେ, ତ ସେ ମୋତେ ଶିଖାଏ। ୱି ୟୁଜ୍ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ, ତା ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ। ସେ ବି ମୋର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜଣେ ଗୁରୁ, ଯାହାଠୁ ମୁଁ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋର ମୁଭ୍ ଶିଖିଲି। ଦେନ୍ ମୁଭିଂ ଫରୱାର୍ଡ଼, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି, IGIT ସରାଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ, ତ ସେଠି ମୋତେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଶିଖିବାକୁ ମୌକା ମିଳିଲା। ମୋର ଗୁରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସୁଧାଂଶୁ ପଣ୍ଡା, ସେ ମୋତେ ସେଠି କରାଟେ ଶିଖେଇଲେ। ଏଗେନ୍ ସିତୋରିୟୁ କରାଟେରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ମୁଭିଂ ଅନ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କରାଟେ ମୁଁ କଲି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଉଷୁ ଶିଖିଲି ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣେ ମୋର ଥିଲେ ସେନ୍ସେଇ, ସେ ମୋତେ ଉଷୁ ଶିଖେଇଥିଲେ। ତ ଉଷୁର ମାନେ କୁମ୍ଫୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼, ଯେମିତି କରାଟେରେ ଆମେ କାଟା କହୁଛେ, ତା ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଥାଏ। ବହୁତ ଟ୍ରେନ୍ କଲାବେଳେ ବହୁତ ପ୍ୟାସନେଟ୍ଲି ସେ ଟ୍ରେନ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଉଷୁ ବି ଖେଳିଲି ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂରେ, ତାଇଚି କଲି, ତାଇଚି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସ୍, ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରେନିଂ ମୁଁ ଶିଖିଲି। ଇନ୍ ଏ ଲାଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ୍ ସାରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ମୋ ଜବ୍ ଜଏନ୍ କଲି, ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଡୁଇଂ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଲାଇକ୍ ଆଉ ଯେତେ ସାରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି, ୱିଙ୍ଗ୍ ଚନ୍ ହଉ, କରାଟେର ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କାଟା ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ। ଆଉ ଆମର ସେଠି ଯେ ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ହରିଚନ୍ଦନ ସାର୍, ସେ ଆମର କାଟା ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଶିଖିକି ଆସେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ସାର୍, ତ ସାର୍ ଆମର କାଟା ବି ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ତ ସେ ଯେଉଁ ମୁଭ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ହେବ ସାର୍ ଆମକୁ ତା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ଏମିତି ହେବ କି ସେମିତି ହେବ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରେନିଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ପରେ କରାଟେ କି ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ହଉ କି କରାଟେର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହଉ, କୁମ୍ଫୁ ହଉ, ଉଷୁ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଶିଖିପାରିବେ। ବଟ୍ ଇନିସିଆଲି ତ ଜଣେ ଗୁରୁ ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିବି ନଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ଭୁଲ କରି ଆସୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଟିଚର୍ ପ୍ରପର୍ ଗୁରୁ ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଯେତିକି ଶିଖେଇ ପାରିବ, ମେ ବି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ସେତିକି ଶିଖିନଥିବେ, ଏମିତିଆ ଗୁରୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ ଡେଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ କୋର୍ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛେ, ଗପ ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଷ୍ଟୋରି ଇନସ୍ପାୟାର୍ କରିଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଯେବେ ବି ମୋତେ ସମୟ ମିଳେ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଡେ କିଛି ନା କିଛି ଯେତିକି ବି ସମୟ ମିଳୁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ, ଆଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କରିବି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡୁଇଙ୍ଗ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସ୍। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ଲାଙ୍କ କରିବା, ବେସିକ୍ ପ୍ଲାଙ୍କ, ଦୁଇଟା ଆମେ ପ୍ଲାଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିସାରିଛେ, ଥାର୍ଡ଼ ବେସିକ୍ ପ୍ଲାଙ୍କ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ କୋର୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, କୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥନିଂ ପାଇଁ ଆଜିର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ପେଟ ଆପଣଙ୍କର କମିବ, ଏଥିରେ ଡାଇଜେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ, ଆଉ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ ବଡ଼ିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। COVID-19 ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନେ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଏପିସୋଡ୍ ଇନ୍ଡୋର୍ କରୁଛେ ଏବେ, ତ ଇନ୍ଡୋର୍ କରିବା ବି ଭଲ, ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିବ ଯେ ଇନ୍ଡୋର୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ଥାର୍ଡ଼ ବେସିକ୍ ପ୍ଲାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ, ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ।
तो आमे आरंभ करिया थर्ड प्लैंक पोजीशन वॉच मी हाथरु खोला रे बंधु भूमि ऊपर दुई पाद के एमती गोटे लाइन में रख परे जदि आपन को भलो बैलेंस छ आपन एमती भी रख परे बट बिगिनर माने एमती रखंतु एंड देन हाथ ऊपर को रख परिवे स्ट्रेट हो एमती हो एमती हो जदि छ हमें रख परिवे ए पोजीशन पे रहबे मैक्सिमम टाइम लेट्स ट्राई 10-15 सेकंड रो आरंभ करंतु कारण हाथ रे बहुत बल दरकार पंजा रे आपन को पाम हील बहुत स्ट्रांग होय इथरे ए अटैक टा कला को पाम हील बहुत स्ट्रांग होय ए एक्सरसाइज रे ता सहित कोर स्ट्रेंथ बढ़े एंड साइड रे जो अपन को चर्बी जमा हुए सेटा कमी जाए तो इनिशियली 10-15 सेकंड्स आरंभ करके ट्राई करंतु 1 मिनट 30 सेकंड 2 मिनट एमती धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ेगा पाई सेम एक्सरसाइज हमें सेपरेट भी करियो बोथ साइड रे करियो अदरवाइज गोटे साइड रे प्रेशर पड़ियो जे तोले तळु पे आसीबे स्लोली आसीबे स्ट्रेंथ देबे नी आराम से आसीबे स्लोली आसीबे एंड देन ओके ठीक रेस्ट नवर तपन वज्रासन रे बस पेरियो रेस्ट पाई गोटे मिनिट रेस्ट करंतु एंड देन अपोजिट साइड रे करिवा हमें ओके तो रेस्ट हेगला हमरा 1 मिनिट एबे देखिवा अपोजिट साइड रो करिवा सेम प्लैंक तो जो माने बिगनर्स आरंभ करछन जो माने एटा भी जो मन को कष्ट लागु जे माने गोटे गोड़ केवल भूमि रे रखंतु और एंती रो आरंभ करंतु ओके एती करंतु खाली जो मन को पूरा प्रॉब्लम होची बा वेट अधिक आछी जो मन कर से माने एठ आरंभ करंतु खाली एमती रह परियो देन तो अपन कर कॉन्फिडेंस आसुची अपन देन दुई पाद रखंतु एंड देन स्टे हियर हाथ सीना रख परिवे ओके तो इठ अपन को रहिवार अछि बॉडी पूरा स्ट्रेट रहिवो ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ओके बस शोल्डर रे और हाथ रे बहुत प्रेशर पड़े बहुत स्ट्रांग रे कोर सहित एंड देन चेंज स्लोली कम डाउन जदि इनिशियली बिगनर माने अपन गोड़ो क्लोज जानंतु एंड देन कम डाउन रिलैक्स अगेन रेस्ट करिवा 1 मिनिट पई वज्रासन रे वज्रासन में अपन आंठो रो प्रॉब्लम जदि किछ थाए लिगामेंट्स प्रॉब्लम किछ गोड़ो रे थाए ए सब प्रॉब्लम दूर होइतै योग रे आमे एको वज्रासन कहूचे आ कराटे रे एको सीजा कहूचे फाइन तो अपन एटी रेस्ट कर परिबे रेस्ट कला बेले भी यू आर डूइंग समथिंग तो रेस्ट कला बेले भी अपन किछो रे करूछन्ती तनो एथे अपन कर मावासागिरी बा राउंडर्स किक बहुत बढ़िया हिताय तो लेट्स वेट फॉर 1 मिनट एंड देन थर्ड बेसिक प्लैंक करिवा आमे फर्स्ट क्लास रे एमती करथिले एंड देन क्लोज वाला करथिले एबे हमें नेक्स्ट लेवल पे जीवा आफ्टर द ब्रेक नेक्स्ट प्लैंक को जीवा बेसिक प्लैंक्स ठीक अछि तो एबे हमें जो पूरा हाथ लगे की करथले एबे आउ टिके क्लोज आ जीवा ओके हाथ एमपी अपन रख परे हो एमपी रख परे जो माने बिगनर से माने गोटे आंठू तळे रखी की रही परे ए पोजीशन रे एंड देन जो माने करियो को चाहु छथि सेम जिंस ओके काउंट कर करिए सेल्फ काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पादा अपन एमती भी रख परियो गोटे स्ट्रेट लाइन रे जो मन कर हो छि समान एमती रख परियो तो मोर हो जाउ छि त मैं एमती कर दउ छि अदरवाइज कैन कीप इट हियर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, slowly come down. Bajo mane vignar. So mane gote antaru. Relax, take a rest now, and then opposite side ko jiba. If you want to take little break, come back to sitja. Okay. चलंतु आरंभ करियो ऑपोजिट साइड रे सेम मूवमेंट सेम रहइबो बिगनर माने गोटे गोडो लगे परिवे और एल्स जे माने आनी चंदी बहुत पता इंत रख परियो स्ट्रेट किंबा लाइक दिस ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 आपण आपणकर स्ट्रेंथ हिसाब रे अधिक टाइम बढे करिवे कम टाइम करतरी हम पर टाइम रो कांस्टेंट रहउछ त हम 30 सेकंड से कहउछ हाउ वी कैन गो अप टू 1 मिनट स्लोली कम डाउन ओके एंड सिज्जा सहित अपन हाथ और कांधर जदि प्रेशर पड़ो छ ताको भी रिलैक्स कर परिए सेक करिके कांधो को टिके रोटेट करिवे ओके टिके पुश करिवे ओके हाथ को टिके रिलैक्स करिवे कान कांधा हाथ रे बहुत प्रेशर पड़े थे जॉइंट्स रे भी फाइन तमे आज रो लास्ट बेसिक प्लैंक करिवा जोटा कि आप पुशअप समस्ते करते पुशअप रे हमें पुशअप जो करती भूई पाक को जाती एंड देन ऊपर को पुश करती बॉडी को देन तल को जाती तो सेम पोजीशन में हमें रहिबा फाइन तो सेटा होची लास्ट बेसिक प्लैंक इतनी की एक्सरसाइज जब आप डेली करुछंती टू टाइम्स मॉर्निंग रे इवनिंग रे पेट खाली थी टाइम रे ताले अपन बहुत अद्भुत परिवर्तन रहिबा अपन पेट चर्बी कमी बारे आउ पेटर स्ट्रेंथ बढ़ी वाले डाइजेशन इम्प्रूव हो रहे हो बॉडी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो तो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट वन ओके सेम अपना पुशअप पोजीशन में रहिए ओके एंड देन जस्ट एट तल को जाऊ छु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ये पोजीशन में केवल दुई हाथ और दुई पाद लगुच ओके एडवांस स्टेज रे पाद क्लोज कर तो बिगनर माने खोला रे कर परिवे ओके एंड देन तले आउ किछ लागुनी केवल दुई हाथ दुई पाद Then slowly relax. ये हाथ तो shoulders को stretch कर दे. Fine. And that's it. अपना time धीरे-धीरे बढ़ ही परिये. Initially बहुत tough है exercise करिया पाएं. सब तो tough एक plank था. तो 2 seconds, 4 seconds, 6 seconds, 10 seconds ऐसे धीरे-धीरे timing बढ़ा तू. ई प्लैंक रे अपन कर हैंड्स शोल्डर्स जॉइंट्स चेस्ट कोर आउ यू नो लेग्स रे भी भलो वर्कआउट हो जाए कंप्लीट वर्कआउट अटा मतलब बहुत पसंद तो आज ही भाई इतनी की थैंक्स फॉर वाचिंग कीप इन टच एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग एंड हेल्दी वीडियोस कीप प्रैक्टिसिंग मार्शल आर्ट एंड लव मार्शल आर्ट्स Thank you so much. Take good care of yourself. Till next time.